हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे CNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक ग्रामर को। तो सबसे पहले ये हमारा एक गिवन ग्रामर है। ग्रामर जो होता है वो सेट ऑफ फोर टपल्स होता है, जिसमें आते हैं आपके TN मार सकते हो, जो कि हमारे टर्मिनल्स होते हैं, जैसे कि छोटे ए, छोटा बी, छोटा सी, ये टर्मिनल्स होते हैं। उसके बाद आता है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, जो कि होते हैं हमारे कैपिटल सिंबल, यानी कि ए, बी, एस। उसके बाद हमारा आता है इनिशियल, जो होता है इनिशियल हमारा एस होता है हमेशा, स्टार्टिंग पॉइंट। और आता है पी, जो कि हमारा प्रोडक्शन रूल होता है, जो कि यहाँ से ये गिवन है, ये प्रोडक्शन रूल है हमारा। तो आइए हम आगे से सॉल्व करते हैं और जानते हैं CNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो CNF में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रिडक्शन ऑफ ग्रामर आना चाहिए। तो रिडक्शन ऑफ ग्रामर के 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि होते हैं रिड्यूस, रिमूव नल प्रोडक्शंस, सेकेंड वाला होता है रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस, और थर्ड वाला होता है रिड्यूस द ग्रामर। ओके, तो हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे क्या नल प्रोडक्शन है। अगर नहीं है तो हम दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे आगे, और अगर फिर वो चेक करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो हम तीसरे स्टेप पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यूनिट नल प्रोडक्शन के लिए। तो हमें यहाँ नल प्रोडक्शन दिख रहा है एप्सिलॉन, जो कि हमारा नल सिंबल होता है, वो प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बी टेंडिंग टू एप्सिलॉन है, जो कि हमारा नल प्रोडक्शन है, वो रिमूव करेंगे। तो ये कैसे रिमूव करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां बी है, ठीक है, वहां पे हम एक बार नॉर्मल बी पुट करेंगे और एक बार एप्सिलॉन पुट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, आइए जानिए। एस फ्रेंड्स टू ए एस ए है, तो इसमें तो कहीं बी नहीं है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ए बी, हाँ यहाँ पे बी आया, तो एक बार इसे बी रहने देंगे और एक बार हम यहाँ एप्सिलॉन पुट करेंगे। तो एप्सिलॉन पुट करने से वो ए एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए हो जाता है। ठीक है, ये हमारी रेगुलर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर ए लिख लेंगे, ए में भी बी है, तो एक बार बी रहने देंगे, एक बार एप्सिलॉन डालेंगे और एक बार एस, ठीक है। और यहाँ बी से हट गया बी। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज देखने की होती है कि जब हमारा जो इनिशियल सिंबल है एस, ठीक है, वो अगर सेल्फ रिपीट कर रहा हो क्वेश्चन में, आप स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, अगर रिपीट कर रहा हो तो आप इसे रिपीट नहीं करने देंगे, आप इसको इनिशियल स्टेट नहीं बनाएंगे। इनिशियल स्टेट आप क्या करेंगे, आप फिर एक नया इनिशियल स्टेट लेंगे एस डैश नाम का, और उसको असाइन कर देंगे एस। सो हमारा जो नया प्रोडक्शन रूल है वो कुछ इस प्रकार का बना है इस स्टेप के बाद, जहां पे हमने बी का नल प्रोडक्शन रिमूव कर दिया, वो ये है, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे कि ए के पास नल प्रोडक्शन आ गया है एक, ठीक है, एप्सिलॉन, तो अब इसे भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो आइए इसे भी रिमूव कर लेते हैं। अब हम यहाँ ए टेंड्स टू एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे जो हमने बी में किया था, जहां जहां ए है वहां वहां पुट करेंगे। तो ए डैश एस में तो ए था ही नहीं, एस में हमारे पास दो ए है, ए एस ए, तो इसे रहने देंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इस वाले ए की वैल्यू एप्सिलॉन पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एस ए। देन हम इस वाले ए की वैल्यू एप्सिलॉन पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एस, क्योंकि हमने यहाँ एप्सिलॉन पुट कर लिया सेकंड वाली ए की। और इस बार हम दोनों ए की वैल्यू एप्सिलॉन पुट करेंगे, तो वो हो जाएगा एस, ठीक है। बाकी की चीजें हम कॉन्स्टेंटली वैसे लिख देंगे जो कि हमारी ए बी और ए थी, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाते हैं, यहाँ पे ए बी रह जाएगा, एस रह जाएगा, और एप्सिलॉन हट गया, क्योंकि हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है हर जगह, जहां जहां एप्सिलॉन हो सकता था वहां एप्सिलॉन डाल दिया। अब यहां से एप्सिलॉन हट चुका है, और ये हमारी बन गया प्रोडक्शन रूल ए से एप्सिलॉन हटाने के बाद, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हमारा, जो कि है यूनिट प्रोडक्शन के लिए। तो यूनिट प्रोडक्शन के लिए आइए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमारे पास जो यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट है वो है एस डैश टेंड्स टू एस, ठीक है, एस टेंड्स टू एस, देन ए टेंड्स टू एस, ओके, एंड ए टेंड्स टू बी ऑल्सो, ये सारे यूनिट प्रोडक्शन है। अब यूनिट प्रोडक्शन में आपको पहले बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता हो, यूनिट प्रोडक्शन उन्हें कहते हैं जहां पे एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सब में एस डैश भी एक नॉन टर्मिनल है, एस भी एक नॉन टर्मिनल है, एस भी यहाँ पे भी, और यहाँ पे दोनों जगह नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे भी सारी चीजें नॉन टर्मिनल है। तो ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन होता है, इन्हें भी हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम एस टेंडिंग टू एस को रिमूव करते हैं, तो आइए जानिए इसे कैसे रिमूव करते हैं। बाकी की चीजें सेम लिख देंगे हम, और क्या करेंगे कि जहां जहां एस था, ठीक है, वहां वहां हम एस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब एस की वैल्यू थी ए एस ए एस ए ए एस स्लैश ए बी,
स्लैश ए। अब जो एस था वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो एस की जगह मैं ये सारी चीजें दोबारा पुट करता, ठीक है। तो प्रोडक्शन रूल में आप सबको पता होगा कि चीजें रिपीट नहीं करती, ये यूनिक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अब ए एस ए दो बार यहां पे आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे मैंने सिंपली एस को रिमूव कर दिया है क्योंकि उसकी जगह ये सारी वैल्यूज पुट करने पर मुझे यही प्रोडक्शन मिलता, ठीक है। तो यहां पे एस रिमूव करके हमने आगे बढ़ते, अब बाकी की चीजें लिख जा रहे हैं, ये हो गया, बाकी की चीजें खत्म। अब हम कौन सी प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, एस डैश एस वाली। तो एस डैश एस वाली यूनिट प्रोडक्शन हम रिमूव करते हैं। वहां पे हम क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी वैल्यू सिंबल आपको हटाना है। तो एस डैश टेंड्स टू एस की सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जो कि है ए एस ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस स्लैश ए बी स्लैश ए। एस अपने वैल्यू पे ही रहेगा, एस ए स्लैश ए एस स्लैश ए बी स्लैश ए, और ये बाकी की प्रोडक्शंस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें जो प्रोडक्शन रिमूव करनी है, यूनिट प्रोडक्शन, वो है ए टेंड्स टू एस वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, हम ऊपर की दोनों प्रोडक्शंस को उतार देंगे सेम टू सेम जो भी वो थी, और ए के टाइम पे हम क्या करेंगे, ए के टाइम पे हम एस की जो जो वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है वो हम वहां पुट कर देंगे। सो बी तो बी रह जाएगा क्योंकि अभी हम इसे रिमूव नहीं कर रहे हैं, और एस की वैल्यू में हम एस एस की जगह एस की वैल्यूज लिख देंगे। तो यहाँ ए एस ए है, एस ए है, ए एस है, ए बी है और ए है, ठीक है। तो ये हो गई, और ये आ गया बी बचा हुआ प्रोडक्शन। अब हम रिमूव करेंगे ए टेंड्स टू बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली बाकी सारी चीजें कॉपी डाउन कर देंगे। मैं वो चीजें कॉपी डाउन नहीं कर रहा दोबारा, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह जो बी था स्टार्टिंग में उसकी जगह स्मॉल बी लिखना है, और बाकी सारी चीजें सेम रहने देनी है, ठीक है। तो अब हमने अपने सारे रिमूव कर दिए हैं यूनिट प्रोडक्शंस। तो एक बार हम अपना ग्रामर लिख लेते हैं दोबारा, जो भी प्रोडक्शन रूल हमारे पास प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट हमारे पास एच डैश है जिसकी वैल्यू है ए एस ए एस ए एस ए बी ए एस है, फिर जिसकी वैल्यू है ए एस एस ए एस ए बी स्लैश ए। ए प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू नई वाली प्रोडक्शन से आई है बी स्लैश ए एस ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस स्लैश ए बी स्लैश ए, ओके। और बी प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू बी है। तो अब हमने अपना यूनिट प्रोडक्शंस भी रिमूव कर लिए, तो अब बारी है इसको रिड्यूस करने की, ठीक है। तो ये ग्रामर हमारे पास जो आ चुका है ये रिड्यूस ग्रामर है, अब इसे हम सीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं सीएनएफ होता क्या है, सीएनएफ की फुल फॉर्म है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ओके। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहता क्या है, ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्शन है उसकी लेंथ को। कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है, ये कहता है कि आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, या तो दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए या तो एक टर्मिनल होना चाहिए, ओके। सो ये ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है, या तो दो नॉन टर्मिनल हो या तो एक टर्मिनल हो। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्रामर को हम सीएनएफ में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम यहां ग्रामर लिख लेते हैं अपना वापस से, एस टेंड्स टू ए एस ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस स्लैश ए बी स्लैश ए, ए टेंड्स टू बी स्लैश ए एस ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस स्लैश ए बी स्लैश ए एंड बी टेंड्स टू बी। तो अब हम इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे सी एन एफ से मेल नहीं खा रही है। तो सबसे पहले ये मेल नहीं खा रही है, ठीक है, ये दोनों सी एन एफ में ही है, ठीक है, ये मेल नहीं खा रही है, यहाँ पे ये नहीं है, ये भी, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हमें सी एन एफ में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा ए एस है उसको हम पुट कर देंगे एक प्रोडक्शन के बराबर जो कि है जेड। ए एस को पुट कर देंगे एक नॉन टर्मिनल पे जेड। अब हम जहां जहां ए एस हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम पुट कर देंगे जेड। तो एस डैश टेंड्स टू जेड ए स्लैश एस ए स्लैश, इसको हम ए एस ही रहने देंगे। फिर यहां पे हम ए बी, ठीक है, एस टेंड्स टू जेड ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस
slash AB slash A, A tends to B slash ZA slash SA slash AS slash AB और slash A और B tends to B। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहां जो ये AS था इसकी जगह मैंने Z क्यों नहीं पुट किया, बल्कि मैंने माना कि AS Z के बराबर है। तो दोस्तों ये पहले से ही चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में था, तो इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिन चीजों को हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लाना है उन्हीं चीजों से छेड़छाड़ करेंगे। तो यहां पे मैंने AS को माना क्योंकि वो तीन चीजें थी। हमें चॉम्स्की लॉ कहता है कि दो नॉन टर्मिनल ही प्रेजेंट होने चाहिए, तो उन दो नॉन टर्मिनल को मैंने एक टर्मिनल असाइन किया नॉन टर्मिनल और उसको यहां लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि ये जो चीज थी ये भी हमारी चॉम्स्की लॉ से नहीं मेल खा रही थी, क्योंकि यहां पे एक नॉन टर्मिनल है और एक टर्मिनल प्रेजेंट है। तो अब हमें रिमूव करना पड़ेगा इस चीज को भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को हटाने के लिए सिंपली एक वाई लूंगा जिसकी वैल्यू मैं ए असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं जहां जहां पे ये चीज ये ए बी था वहां वहां ए की जगह वाई पुट कर दूंगा। तो मेरा जो नया प्रोडक्शन रूल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, जेड ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस स्लैश वाई बी स्लैश ए एस टेंड्स टू जेड ए स्लैश एस ए स्लैश ए एस स्लैश YB slash A, A tends to B slash ZA slash SA slash AS slash AB की जगह YB आ जाएगा और slash A और यहां पे आ जाएगा B tends to ये एक हमने Z लिया था AS और Y हमारा A हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्शन है जो कि हमें मिली है और यहां पे हमने अपना ग्रामर रिड्यूस कर दिया है CNF में। सो ये है हमारे पास रिड्यूस्ड CNF फॉर्म में हमारा ग्रामर। थैंक यू दोस्तों।